मोगा की, जहां पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के आढ़तिया एसोसिएशन के मेंबर ने मोगा में विशाल रैली निकाली है। आढ़तियों ने केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। आढ़तियों ने सरकार से एफसीआई एजेंसी से उनके 2.5% कमीशन की मांग की है। उनका कहना है कि अदानी सेलो प्लांट में तलबंडी भाई मोगा और बाघा पुराना की मंडियों की गेहूँ की खरीदी की थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बावजूद भी कमीशन नहीं दिया गया है। एसोसिएशन के प्रधान पंजाब विजय कालड़ा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो सभी वर्ग 2024 का चुनाव। प्रेसिडेंट आरती एसोसिएशन कपूरथला दाना मंडी तो विपन कुमार मेरा नाम है। आज अभी इतने मोगा दे विच रोस रैली लिए आए हैं। साड़ियाँ बड़ियाँ देर तो 4-5 मंगा सी जी सरकार की सुन रही सू सा जी मेन एक मेन मंग जी हैगी जिदा कि इन्होंने आठ को फ्रीज कर दिता 3 साल तो यह 4th साल हैगा। तुम देखो महंगाई कितने चलिया गई, लोगों तनखाव बढ़ रही, महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। देखो अज का साडा मुख्य मुद्दा है जी, सा पिछले 13 साल तो एफसीआई वालों जी सैलो के चाढ़ दी जा रही है, उन 2023-24 की जी कणक खरीदी है वो कणक खरीदने तो बाद सानू इनकारी करती है। सानू पहला दस देंदे असी आपका प्रबंध कर लेंगे। दूसरा मुद्दा है जी साड़ी 8-2.5% मिलती आ रही है। पिछले मैं समझ जदों का मंडीकरण एक्ट बनया वो परसेंटेज के हिसाब में मैं इसकी आड़ मिलती है। 19-20 चो 20-22 चो 22-23 मैं पूछा सी श्री पीयूष गोयल जी ने, मैं क्या तुम दसो जो तनखा 18-19 के मुलाजमान की है सेंटर के कि वह 22-23 काम करे।